स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। ये नया वीडियो लेक्चर इतिहास से संबंधित है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एंग्लो फ्रेंच वॉर के बारे में है। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वॉर मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो युद्ध हुआ था अपने साम्राज्य को स्थापित करने के संदर्भ में, उसी के बारे में है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो युद्ध लड़ी गई थी, वो तीन युद्ध लड़ी गई थी, जिसको हम तीन कर्नाटिक युद्ध के नाम से जानते हैं। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड एंड देन थर्ड कर्नाटिक वॉर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बारे में, और फिर इसी से संबंधित दूसरा वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम सेकेंड कर्नाटिक वॉर और थर्ड कर्नाटिक वॉर के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, इसलिए क्योंकि इस युद्ध ने ब्रिटिश के इंपॉर्टेंस को बता दिया था, ब्रिटिश के पावर को स्टैब्लिश कर दिया था। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस समय यूरोपियंस भारत में आ रहे थे, उस दौरान उस क्रम में पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद फिर डच आए, और फिर अंग्रेज आया, और फिर फ्रांस आया। तो फ्रांस के आते आते क्या हो गया था कि पुर्तगाली और डचों का जो प्रभाव था, उनका जो प्रभुत्व था, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। ब्रिटिश ने उनको हरा दिया था और भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए ब्रिटिश अब आगे बढ़ रहे थे, और उसी बीच फ्रेंच आ गए। ठीक है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य था अपना व्यापार करना, ट्रेड करना। ठीक है, इसका साम्राज्य विस्तार करने का ऐसी कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन फिर भी आगे चल करके डुप्ले के आने के बाद, जब 1741 में डुप्ले गवर्नर बनता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो फिर इसका साम्राज्य विस्तार करने की नीति बन जाती है। ये सोचने लगता है कि अपने साम्राज्य को स्थापित करने का, और इसी समय संघर्ष शुरू होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो बस इसी को लेकर के ये पूरी कहानी पढ़नी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं, मेंस के भी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और यूपीएससी के पीटी में, प्लस पीपीएससी और बाकी सारे परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बड़े आराम से, प्रेम से समझिएगा। कुछ बैकग्राउंड्स को मैं समझा दूंगा शुरुआत में कि क्या परिस्थितियाँ हुई थी उस समय, क्या परिस्थितियाँ मौजूद थी भारत देश में, और किस परिस्थितियों के अंतर्गत ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को लेते हुए हम लोग चलेंगे। उससे पहले आप इस मैप पे थोड़ा गौर करें और कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को नोट कर लें। उस इंपॉर्टेंट लोकेशन में यहाँ पर पहला आपको दिख रहा है कर्नाटक है। ठीक है, दिस इज कर्नाटक, इसको याद कीजिएगा। फिर मद्रास का लोकेशन यहाँ दिख रहा है, पौंडीचेरी दिख रहा है, कुडलोर दिख रहा है। ये तीनों लोकेशन आप निश्चित तौर पर याद करें, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिलेटेड है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट्स हुआ करते थे इसी तटों के किनारे किनारे, फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट, डच इस्टेब्लिशमेंट, ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, हम लोग जब इस विषय पर और वीडियोस बनाएंगे तो उन सारे एस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो एंग्लो फ्रेंच वॉर सीधे टॉपिक पे आए हैं। मैं ये बात उनके लिए बोल रहा हूँ जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सारे विषयों को, के सारे टॉपिक को मैं धीरे धीरे करके कवर करता चलूंगा, इस बात की के लिए आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है, जैसे डिमांड्स मुझे आते हैं स्टूडेंट्स के, मैं उस प्रकार से वीडियोज़ को बनाते रहता हूँ। ओके, तो डिमांड्स इस वीडियो के थे, तो मैंने इस वीडियो से यहाँ पे शुरुआत किया है। चलिए, तो अब इस टॉपिक को हम समझते हैं, और इस टॉपिक को तो हाँ, तो मैप में मैप बता रहा था, तो इस मैप में ये कर्नाटक को आप देख लिए, और उसके बाद फिर यहाँ ट्रेवनकोर है, इस ट्रेवनकोर को आप नोट कर लीजिए। फिर मैसूर है, इस मैसूर को आप नोट करेंगे। ठीक है, अपने दिमाग में इसको मैप तैयार करेंगे, समझेंगे कि कहाँ पर है, ये निज़ामों का डोमिनियन है। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्दर्न सरकार है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये आप कंपेयर कर सकते हो प्रेजेंट स्टेट से, और उस समय की क्या स्थितियां थी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप समझ में आएगा। इंडिया का एक प्रेजेंट मैप रखना, और उसके बाद फिर इस मैप को देखना, तो समझ में आएगा किस समय कौन अभी क्या है और उस समय क्या हुआ करता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे जंग लड़े गए हैं मराठाओं के बीच में, निज़ामों के बीच में, फिर अंग्रेज है, फ्रेंच है, बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं। उसका किस क्षेत्र में विस्तार था, फिर अंग्रेज कैसे आगे बढ़ा, इस सब चीज़ को समझने के लिए मैप पे सारे लोकेशंस पता होना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर आपको कालीकट है, यहाँ पर आपका केक कुमरन है। ठीक है, चलिए, तो इतने सारे पॉइंट्स को नोट करने के बाद मैप में तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आने वाले स्लाइड्स में और मैप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। अब कुछ बैकग्राउंड को समझते हैं कि क्या उस समय की मौजूदा स्थिति क्या थी। ठीक है, जिसके तहत ये युद्ध की संभावनाएं बन गई थी। ओके, तो देखो बैकग्राउंड में था कि उस समय मुगल एम्पायर अपने अंतिम चरण में था, मुगल अंपायर जो था वो अपने अंतिम चरण में था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी 1707 में,
उसके बाद फिर आने वाले जो भी मुगल एम्परर रहे उनका जो सेंट्रल कंट्रोल था एम्पायर पे वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो नीचे गिरने लगा। उसी दौरान फिर कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम बने, जैसे निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित किया। ओके, और उसके बाद फिर पावर स्ट्रगल शुरू हुआ। जब निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, वो इस पावर स्ट्रगल में नाजिर जंग जो बेटा है निजामुल मुल्क का उसके बीच में, और उसका जो ग्रैंडसन होता है मुजफ्फर जंग, ठीक है, इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल होता है निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद। तो ये एक तरह का मौका प्रस्तुत करता है फ्रांस और इंग्लैंड के लिए, ठीक है, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में एंट्री लेने का और चीज़ों को ख़राब करने का, ताकि अपना साम्राज्य विस्तार हो सके। ठीक है, तो उसी दौरान क्या हुआ कि फ्रांस ने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया और जबकि इंग्लैंड ने नाजी जंग को सपोर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट को ज़रूर नोट कीजिएगा, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारी चीज़ें चलती है। अगर क्रोनोलॉजी याद रहे तो चीज़ें स्पष्ट रहेगी। फिर हम लोग मैसूर युद्ध पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इसको समझेंगे। अभी चूंकि हम लोगों को कर्नाटिक युद्ध पढ़ना है, फोकस हमारा रहना चाहिए फ्रांस और इंग्लैंड के ऊपर, लेकिन फिर भी क्या बैकग्राउंड उस समय था, परिस्थितियाँ क्या थी, उनको समझना ज़रूरी है। इन सब के बारे में, जैसे कि मुजफ्फर जंग हो गया, निजामुल मुल्क हो गया, नाजिर जंग हो गया, इनके बारे में डिटेल और पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए, तो फिर लेकिन फिर भी अभी आप एक क्रोनोलॉजी याद रखिए, याद रहिए, याद रखेंगे तो काम आएगा, काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ समझ में आएंगी। फिर जब इनके ऊपर जब लेक्चर बनेगा तो और ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो निजामुल मुल्क के बाद पावर स्ट्रगल हुआ मुजफ्फर जंग और नाजिर जंग में। फ्रांस ने सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग को और इंग्लैंड ने सपोर्ट किया नाजिर जंग को। और उसके बाद फिर कुछ मुगल टेरिटरीज थे जो ऑटोनोमस उस समय थे, जैसे कि कर्नाटिक, और मैप में इसको मैंने आपको दिखा दिया है, और वहाँ पे जो रूल किया करता था उस वक्त में नवाब दोस्त अली खान, ठीक है, अंडर द लीगल परव्यू ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद। ओके, एंड फ्रांस एंड इंग्लिश इंटरफेरेंस इंक्लूडेड दोज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द नवाब। और इंग्लैंड और फ्रांस के जो का जो सिस्टम था, इसका जो गवर्नमेंट था, वो नवाब के अफेयर्स में, मतलब उनके कामकाज में काफ़ी दखल अंदाजी किया करता था। ठीक है, अब दोस्त अली खान का जब मृत्यु होता है तो दैट स्पार्क द पावर स्ट्रगल बिटवीन हिज सन इन लॉ चंदा साहिब सपोर्टेड बाय द फ्रेंच एंड मोहम्मद अली खान सपोर्टेड बाय द इंग्लिश। ओके, तो इस इवेंट को भी याद रखिएगा, जब ये नवाब दोस्त अली खान जो कर्नाटिक पे रूल किया करता था उस वक्त में, जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके सन इन लॉ चंदा साहिब में और फिर मोहम्मद अली खान में संघर्ष शुरू हुआ, पावर स्ट्रगल शुरू हुआ। और इसमें क्या हुआ कि फ्रांस ने चंदा साहिब का सपोर्ट लिया और जबकि ब्रिटिश ने मोहम्मद अली खान का सपोर्ट लिया। ओके, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि किस प्रकार हमेशा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहे थे, फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के अपोजिट रहे थे, एक दूसरे को हराने के चेष्टा में, या फिर उस समय के जो लोकल रूलर्स थे उसको अपने कब्जे में लेने के चक्कर में, या फिर उनको बर्बाद करने के चक्कर में, इस किस प्रकार से पॉलिटिक्स में, राजनीति में ये लोगों का इंटरफेरेंस होता है और एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, इसको समझना आवश्यक है। नाउ द साउदर्न रीजन्स इन इंडिया लाइक कर्नाटक, मद्रास एंड पौंडीचेरी वेर फेसिंग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी हुई थी, कुछ भी फिक्स नहीं था। यहाँ पर मुगल अम्पायर जो इतना बड़ा अम्पायर था वो टूट चुका था, तो सीधी सी बात है कि पॉलिटिकली ये लोग वीक हो चुके थे। तो ये अनिश्चितता का दौर चल रहा था इस दौरान, अपना कुछ भी नहीं था। तो इस चीज़ का, मौके का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और फ्रांस ने, और दोनों अपने अपने मतलबों को सिद्ध करने के लिए, अपनी अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए ये अलग अलग रूलर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। तो ये पूरी एक बैकग्राउंड है आपको। चलो, कुछ और बातें समझना है इसी बैकग्राउंड के तहत में, अब उसको आगे समझाते हैं। ये एक पहले मैप है, इसको भी देख लो, पिछले मैप की तुलना में ये भी लगभग वही मैप है, लेकिन फिर भी आप 2-3 बार देखोगे एक मैप को तो ज़्यादा क्लियर होता है। तो निज़ाम डोमिनियन मैंने पहले मैप में बताया था, वो यहीं पर है, मराठा का यह किंगडम है, ये देख लो यहाँ पर मैप में। ठीक है, फिर मराठा के बारे में जब पढ़ेंगे तो उस समय और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी नोट करते चलो यार। ठीक है, फिर नॉर्दर्न सरकार है यहाँ पर, मैसूर, दिस इज मैसूर। ठीक है, दिस इज आर्कोट। ठीक है, ये जो कर्नाटिक है उसको हम लोग आर्कोट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ आर्कोट दिख रहा है आपको, फिर इस वाले मैप में सेम मैप, ये थोड़ा सा क्लियर है, निज़ाम डोमिनियन, मराठाज, नॉर्दर्न सरकार, दिस इज कर्नाटिक। ये देख रहे हो यहाँ पे कर्नाटिक है, फिर यहाँ पे आर्कट है, तो सेम लोकेशन पे। तो किसी किसी मैप में आपको आर्कट दिखेगा, कोई किसी किसी मैप में ये कर्नाटिक दिखेगा आपको। तो
इसलिए मैंने दोनों मैप आपके सामने रख दिया है। यहाँ ट्रेवनकोर जैसा पहले देखे थे हम लोग, केप कोमोरिन यहाँ पे था, ठीक है, ये मैड्रास का लोकेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन से आप प्लीज़ इसको नोट करते चले, ये हमारा माइसोर हो गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद है मैप पे अच्छे से आप लोग गौर किए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हु विल बी द सुप्रीम पावर, ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच की बात है कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कौन सुप्रीम पावर बनेगा। ये युद्ध इसी बात का है, एंग्लो फ्रेंच वॉर इसी बात का युद्ध है। तो कहानी क्या है कि बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी ब्रिटिश हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स सुप्रीमेसी ओवर डच एंड पोर्टुगीज, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही वीडियो के बता दिया था। एंड देन फ्रांस केम एज अ न्यू कॉम्पिटिटर इन 18th सेंचुरी, ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंत आते आते ब्रिटिश ने अपनी श्रेष्ठता बता दी थी डच और पुर्तगीज के सामने। लेकिन 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ये फ्रेंच फ्रेंच आते हैं, फ्रांस आता है, ठीक है, और फिर पहला फैक्ट्री सेटअप करता है अपना 1668 में। और उसके बाद फिर कुछ बिजनेस सेंटर भी ये शुरू करता है कलकत्ता में 1690 से 1692 के बीच में। और मेन रीजन जो कॉन्फ्लिक्ट का होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, वो होता है दैट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू गेन मोनोपोली एंड कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है। तो ये बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है कि मेन जो इन दोनों के संघर्ष का कारण है वो कि ट्रेड पर किसका ज्यादा अधिकार होगा, किसकी मोनोपोली चलेगी, किसका कंट्रोल होगा, इस चीज को लेकर के। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि मेन रीजन, मुख्य रीजन क्या रहता है, ठीक है। और सारी की सारी साजिशें जो रची गई वो इसी मोटिव को पूरा करने के लिए रची गई थी। ओके, एंड द वन मेजर मास्टर माइंड ऑफ द कर्नाटिक वॉर्स वॉज द फ्रेंच मैन जोसेफ फ्रैंकाइस डुप्ले, इसको डुप्ले बोलते हैं, हु अराइव्ड इन इंडिया इन 1715 एंड राइजिंग टू बिकम द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर इन 1741, ठीक है। ये डुप्ले का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इस फ्रेंच पूरे के पूरे एंग्लो फ्रेंच वॉर में। इसी के बाद फ्रांस की जो रणनीति होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पहले तक, जब तक ये गवर्नर नहीं बना था 1741 में, तो इसके पहले तक एक तरह से कहें तो फ्रांस का बस एक ही मकसद था कि अपना बिजनेस सेटअप करना, ट्रेड करना, व्यापार करना, साम्राज्य स्थापित करना, ये इसका मकसद नहीं था। लेकिन ये थोड़ा सा महत्वाकांक्षी गवर्नर था डुप्ले, ठीक है, इसलिए इसका नाम इतिहास में लिया जाता है। महत्वाकांक्षी था, थोड़ा बहादुर भी था और अंग्रेजों से लोहा लेने के लायक था ये। तो इसने सोचा कि क्यों ना हम फ्रांस का साम्राज्य स्थापित करें और अंग्रेजों को यहाँ से निकाल बाहर करें। और इसी चक्कर में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। लेकिन सिर्फ कुछ और बैकग्राउंड्स भी हैं, कुछ और कारण भी है कि इंडिया में डायरेक्टली युद्ध नहीं शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ही में डायरेक्टली युद्ध शुरू हो गया, युद्ध कहीं और हो रहा था, उसका असर, उसका एक प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। वो युद्ध कौन सा था और किसके कारण ये भारत में ये दोनों आपस में लड़ लिए, तो कारण तो यहाँ समझ में आता है, लेकिन इस कारण को एग्जीक्यूट कैसे किया गया, ठीक है, इसके एग्जीक्यूशन के पीछे की क्या कहानी है, उसको समझना जरूरी है। तो फिर यहाँ तक तो समझ लिए कि किस प्रकार से, मैंने आप लोगों को बताया कि 1741 में डुप्ले आया और इसकी पूरी जो स्ट्रैटेजी थी फ्रांस की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बदल गई और साम्राज्य स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर ही सॉट टू एक्सपैंड फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया, एज आई ऑलरेडी सेड, विच वॉज लिमिटेड टू अ फ्यू ट्रेडिंग आउटपोस्ट, ठीक है, द चीफ वन बिंग पॉन्डिचेरी ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो इसका जो मेन मकसद हो गया, क्या हो गया कि अब कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करना, जो उसके पहले तक कुछ ही चौकियों पर सीमित थी उस समय फ्रांस की जो ट्रेड सेंटर हुआ करती थी। वो खास ट्रेड सेंटर जो इसका था, खास सेंटर जो था फ्रांस का, वो पॉन्डिचेरी में था जो कोरोमंडल कोस्ट पर स्थित है, ठीक है। एंड इमीडिएटली अपॉन हिज अराइवल इन इंडिया ही ऑर्गेनाइज इंडियन रिक्रूट्स अंडर फ्रेंच ऑफिसर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और जैसे ही वो भारत में प्रवेश करता है, ही ऑर्गेनाइज इसने क्या किया कि ही ऑर्गेनाइज इंडियन रिक्रूट्स अंडर फ्रेंच ऑफिसर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इंगेज इन प्लॉटिंग, मतलब साजिश वगैरह करना शुरू करता है, लोकल रूलर्स के साथ बातचीत करना शुरू करता है टू एक्सपैंड फ्रेंच इन्फ्लुएंस, ठीक है, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए वहाँ के लोकल रूलर्स को अपने सपोर्ट में लेना शुरू करता है डुप्ले, ठीक है। तो यहाँ से इसका आपको रणनीति समझ में आएगा कि क्या ये सोच रहा था क्या करने का। ओके, तो ये कहानी समझ में आ गया कि ये पूरी संघर्ष है, कि भाई ये पूरी कहानी है कि कौन सुप्रीम पावर में रहेगा, ब्रिटेन रहेगा, ब्रिटिश रहेगा या फ्रेंच रहेगा,
और फिर किस प्रकार से 17वीं शताब्दी तक समाप्त होते होते अंग्रेजों ने डचों और पुर्तगाली की कहानी को समाप्त कर दिया था, और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस एक नया कॉम्पिटिटर के रूप में उभरा था। शुरुआत में इसका मकसद बिजनेस करना था, लेकिन डुप्ले के गवर्नर बनने के बाद फ्रेंचाइजी कंपनी के इसकी जो रणनीति थी वो पूरी चेंज हो जाती है। ओके चलिए, नाउ इन 1746 फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास। 1746 में फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर कर लिया अपनी कूटनीतिक ताकतों की वजह से, कूटनीतिक सफलताओं की वजह से। उसके बाद फिर 1740 में वेरी इंपॉर्टेंट वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ये शुरुआत हो गया। 1740 में वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन की शुरुआत होती है। कहाँ? यूरोप में। मैं मैप में दिखाऊंगा कि कहाँ पर है ये ऑस्ट्रियन सक्सेशन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वॉज ड्रॉन इन टू द वॉर इन 1744, और इस वॉर में ग्रेट ब्रिटेन को घींच लिया गया, एंड इट वॉज इन अपोजिशन टू फ्रांस एंड इट्स एलीज। ठीक है, फ्रांस के अगेंस्ट ये था इस युद्ध में। किस युद्ध में? तो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन में। तो देखो कि बाहर में, भारत छोड़ करके बाहर में, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, जिसको हम उस समय हैब्सबर्ग मोनार्की भी बोलते थे, ठीक है, तो वहां पर वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होता है, ऑस्ट्रियन सक्सेशन शुरू होता है, जिसमें फ्रांस, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन को घींच लिया जाता है 1744 में, और फ्रांस इसके अगेंस्ट खड़ा होता है उस युद्ध में। ठीक है, अब ये क्या था वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो कि 1740 से लेकर 1748 तक चला था। इट वॉज अ वॉर ओवर द इशू ऑफ मारिया थेरेसा, ठीक है, सक्सेशन टू हैब्सबर्ग मोनार्की। ओके, तो मारिया थेरेसा क्या थी? तो मारिया थेरेसा जो थी वो चार्ल्स 16 की के जगह पर वो उसको सक्सेशन देना था, लेकिन वहां का जो सैलिक लॉ था वो वुमेन को इनहेरिटेंस नहीं देता था। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि ये विवाद उत्पन्न हो गया। अब इसको चाहिए था सक्सेशन, लेकिन वहां के लॉ के हिसाब से इसको सक्सेशन नहीं मिलना था, क्योंकि ये एक महिला थी, वुमेन थी, और ये चार्ल्स 16 को, चार्ल्स 16 के सक्सेशन में आना था इनको। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो इसका विरोध हुआ। फिर कुछ पार्ट्स जो थे उस समय, कुछ जो देश थे वो इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं, मतलब मारिया थेरेसा का सपोर्ट करते हैं, और कुछ जो देश थे वो इसके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो यहीं से सारी कहानी शुरुआत होती है। एंड मारिया थेरेसा वॉज इनएलिजिबल टू सक्सीड द हेरिडिटरी लैंड्स ऑफ हर फादर, ठीक है, चार्ल्स सिक्स, बिकॉज ऑफ सैलिक लॉ एंड दैट प्रिक्लूडेड रॉयल इनहेरिटेंस बाई वोमेन। मैंने आपको बता दिया कि महिलाओं को इसमें इनहेरिटेंस का कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी इस लॉ में। ठीक है, एंड सो फ्रांस, रूसिया एंड ब्रवारिया, ठीक है ना, चैलेंज हैसबर्ग पावर, और इसलिए फ्रांस, प्रूशिया और ब्रवारिया ने हैसबर्ग के पावर को चैलेंज किया। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड मैरिया वॉज सपोर्टेड बाय ब्रिटेन, द डच रिपब्लिक, सार्डिनिया एंड सैक्सोनी। और दूसरे तरफ क्या हुआ कि मैरिया थेरेसा के सपोर्ट में ब्रिटेन खड़ा होता है, फिर डच रिपब्लिक, सार्डिनिया और सैक्सोनी। तो इस तरह देख रहे हैं कि किस तरह से दो डिवीजन में ये बट चुका है, मतलब ये युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। कहाँ? तो ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और चूंकि अब यहां पर ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं, ब्रिटेन और दूसरी तरफ यहां पर ये फ्रांस, तो अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ युद्ध शुरू होता है उसी का प्रभाव हमको भारत में देखने को मिलता है। इसलिए वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन एक कारण के रूप में उभर के आता है। ये भी एक बैकग्राउंड समझ सकते हो, या फिर छिपी हुई कहानी है एंग्लो फ्रेंच वॉर के बीच में, एक मुख्य वजह साबित होता है। वजह तो वैसे था भारत में अपने ट्रेड को स्थापित करने का, लेकिन उस ट्रेड को स्थापित करने के जो वजह को जो एग्जीक्यूट किया गया, वो एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरुआत हुआ, उसकी कहानी युद्ध की शुरुआत कहाँ से, तो यहाँ से शुरुआत होती है कि वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन हुआ, मारिया थेरेसा को सक्सेशन नहीं मिला, नहीं मिलने के संदर्भ में दो गुट बढ़ गए, एक जो सपोर्ट कर रहा था कि नहीं मिल जाए, दूसरा सपोर्ट कर रहा था कि नहीं नहीं मिले। ठीक है, ब्रिटेन, डच रिपब्लिक, सार्डिनिया और सैक्सोनी जो था वो चाह रहा था कि ये सपोर्ट में खड़ा था मारिया थेरेसा के, जबकि जो फ्रांस, प्रूशिया और ब्रावेरिया था वो इसके अगेंस्ट था। तो यहाँ से संघर्ष की कहानी शुरू होती है। नाउ सिंस फ्रांस एंड ब्रिटेन वेयर ऑन अपोजिट साइड्स एंड फाइटिंग देयर, दे स्टार्टेड फाइटिंग इन इंडिया। और चूंकि फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों अपोजिट साइड में थे, और वहां पर फाइट शुरू हो गया इन दोनों के बीच में, जिसके कारण भारत में भी फाइट शुरू हो जाती है। और जब ये न्यूज भारत में पहुंचता है, ठीक है ना, तो डुप्ली वहां का फ्रेंच गवर्नर होता है पौंडीचेरी में, और मॉर्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नर होते हैं मद्रास में। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि जब ये खबर
इस युद्ध की खबर जब भारत में पहुंचती है तो उस समय जो फ्रेंच गवर्नर होता है वो डुप्ली होता है, और फ्रेंच गवर्नर जो होता है वो डुप्ली होता है पॉन्डिचेरी में, और मॉर्स जो था वो ब्रिटिश गवर्नर होता है मैड्रास में। इस पॉइंट को आप जरूर नोट कीजिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक मैप है जिसमें आपको वो सारे किंगडम्स जो मैंने बताए हैं, जो स्टेट, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ये ब्राविरिया है, यहाँ पर आपको सार्डिनिया है, ठीक है, सैक्सोनी है, दिस इज प्रूशिया, ठीक है, इसको आप जरूर नोट कर ले। यहाँ हमारा फ्रांस है, ये ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आराम से इस मैप को देखिए 2 मिनट, स्थितियां परिस्थितियां सब समझ में आएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट इट डाउन दीज लोकेशंस, गौर कीजिएगा। एक और मैप के थ्रू इस चीज को और क्लियर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। ऑस्ट्रिया मोनार्की, ठीक है, जिसकी चर्चा की है, जहाँ मारिया थेरेसा का जो केस है, यहाँ पर इनको बैठने नहीं दिया जा रहा है सक्सेशन पे। और फिर इसके सपोर्ट में कौन खड़े हैं, फिर इनके अगेंस्ट कौन खड़े हैं, तो रेड कलर से जो इंकित है दीज आर द सपोर्टर्स, एंड जो ब्लू कलर से जो इंकित है इस मैप में, ये लोग एनिमीज हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रांस, स्पेन है, सार्डिनिया यहाँ है, ठीक है, सैक्सनी है, ओके। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि ये लोग अगेंस्ट है, ब्रावेरिया है, और फिर यहाँ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, और ये तो खैर सपोर्ट में है ही, तो ग्रेट ब्रिटेन इज रेड कलर, सो इट इज सपोर्टिंग, ठीक है, ऑस्ट्रिया मोनार्की, मारिया थरेसा के सपोर्ट में ये ग्रेट ब्रिटेन है। तो ये युद्ध का एक कारण बन जाता है, यहाँ पर ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है, तो कर्नाटिक युद्ध के रूप में भारत में देखने को मिलता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि मद्रास एंड पॉन्डिचेरी यूज टू कम अंडर कर्नाटक स्टेट, ओके, द नवाब ऑफ कर्नाटक वॉज अनवरुद्दीन, और उस समय कर्नाटक का नवाब कौन था, अनवरुद्दीन था, ओके। एंड ऑन 21 सितंबर 1746 द फ्रेंच कैप्चर्ड द ब्रिटिश आउटपोस्ट एट मद्रास, और 21 सितंबर 1746 को फ्रेंच लोगों ने क्या किया, इट कैप्चर्ड ब्रिटिश आउटपोस्ट इन मद्रास, ब्रिटिश के सेंटर को, उसकी चौकी को कैप्चर कर लिया मद्रास में विद द हेल्प ऑफ लाबोर्दने। लाबोर्दने कौन था, तो गवर्नर ऑफ मॉरिशस, इसको नोट कर लीजिएगा। 21 सितंबर 1746 फ्रेंच ने ब्रिटिश के चौकी जो मद्रास में था उसको कैप्चर करता है लाबोर्दने की मदद से। लाबोर्दने कौन था, तो मॉरिशस का गवर्नर था। नाउ लाबोर्दने ने क्या किया था कि लाबोर्दने हैड प्रॉमिस टू रिटर्न मद्रास टू द इंग्लिश, ठीक है, लाबोर्दने और डुप्ले के बीच में एक समझौता हुआ था, दोनों एक तरह से समझिए तो एक दोस्त था, और डुप्ले ने मदद मांगा था इसलिए, और ये मदद करने गया था, लेकिन उसके पहले लाबोर्दने ने अंग्रेजों से बोला था कि मद्रास जीतने के बाद वो, मतलब कि मद्रास को वो वापस कर देगा ब्रिटिश को, ऐसा वादा किया था लाबोर्दने ने, लेकिन डुप्ले ने इस वक्त लाबोर्दने का साथ नहीं दिया और इस प्रॉमिस को, ये प्रॉमिस नहीं निभा पाया, ओके। और उसके बाद एक और प्रॉमिस किया था डुप्ले ने अनवरुद्दीन को कि मद्रास वो अनवरुद्दीन को देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, तो ना ही ये मद्रास इंग्लिश को गया और ना ही ये मद्रास अनवरुद्दीन को गया, ओके। तो ये कहानी को जरूर समझिएगा। इसलिए इसके अगेंस्ट में, चूंकि ये चीजें नहीं हो पाई, तो इससे गुस्सा करके नवाब सेंट 10,000 मैन आर्मी टू टेक मद्रास फ्रॉम फ्रेंच अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज सन महफूज खान। इसलिए 10,000 सैनिकों के साथ मद्रास को छीनने के लिए फ्रेंच के हाथों से अनवरुद्दीन ने अपने बेटे महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 के सैनिकों के साथ भेजा युद्ध करने के लिए, लेकिन ये युद्ध ये हार जाता है ना। और उस समय फ्रेंच आर्मी जो होती है काफी छोटी होती है, लेकिन फिर भी इतने बड़े सेना को, नवाब के इतने बड़े सेना को ये हरा देती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके इससे इसका फ्रेंच आर्मी का हौसला बढ़ता है, फ्रेंच का हौसला बढ़ जाता है, तो इस चीज को आप नोट कीजिएगा। सब कहानी है, एज अ स्टोरी आप इसको याद करते चलिए, ठीक है। तो क्या कहानी हुई, ये कहानी ये जरूर याद कर लीजिए आप कि मद्रास और पांडिचेरी कर्नाटक स्टेट में आता था, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन हुआ करता था। सितंबर 1746 में फ्रेंच ने ब्रिटिश के आउटपोस्ट जो मद्रास में था उसको कैप्चर किया लाबोदेने की मदद से। लाबोदेने कौन था, तो मॉरिशस का गवर्नर था।
लाबोदेन और अंग्रेजों के बीच में एक समझौता हुआ था कि लाबोदेन जो मद्रास को वापस कर देगा, लेकिन डुप्ले इस बात में लाबोदेन का साथ नहीं देता है। और फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि डुप्ले ने वादा किया था अनवरुद्दीन से कि वो मद्रास उसको वापस करेगा, लेकिन इन दोनों में से कोई घटना नहीं होती है, जिसके कारण अनवरुद्दीन गुस्से में आकर के वो फ्रेंच को वहां से हटाने के लिए 10,000 सैनिकों के साथ अपने बेटे महफूज खान के नेतृत्व में एक बेड़ा भेजता है, ठीक है, युद्ध करने के लिए। लेकिन फ्रेंच एक स्मॉल उस समय मात्रा में ही होती है, फ्रेंच आर्मी की संख्या ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कम संख्या होने के बावजूद इतनी बड़ी फौज को, नवाब की इतनी बड़ी फौज को ये हराने में सफल होते हैं, और इस युद्ध का नाम होता है बैटल ऑफ अडयार, ठीक है, इसमें फ्रेंच की जीत होती है। तो इससे इसका हौसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि छोटा फोर्स है और उतने बड़े सेना को हरा रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। नाउ द फ्रेंच देन मेड सेवरल अटेम्प्ट टू कैप्चर ब्रिटिश फोर्ट सेंट डेविड, और फ्रेंच ने फिर बाद में बहुत सारे प्रयास किए, ब्रिटिश का एक सेंटर था फोर्ट सेंट डेविड उसको कैप्चर करने का, ये कहाँ था, तो कुडालोर में था, एंड लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए इसमें, काफ़ी दिनों तक घेरा लगा के रखा, लेकिन चूंकि री इन्फोर्समेंट्स बार बार आ जाते थे इसके कारण बहुत दिन तक घेरा ही लगा के रह गए, कैप्चर नहीं कर पाए थे। ओके, ना द ब्रिटिश सराउंडेड पांडिचेरी, इसके रिटर्न में क्या किया कि ब्रिटिश ने पांडिचेरी को सराउंड कर लिया, उसको घेर लिया, सीज कर लिया उसको, ठीक है, इन द लेटर मंथ्स ऑफ 1748, 1748 के बाद वाले महीनों में, चूंकि यहाँ पर पोंट सेंट डेविड पर घेरा लग चुका था फ्रेंच फ्रेंच का, तो उसी तरह से ब्रिटिश ने क्या किया, बदला लेने के लिए पांडिचेरी को घेर लिया, ठीक है, लेकिन फिर वहाँ से इस चीज़ को हटा दिया, चूंकि पुअर क्लाइमेटिक कंडीशंस थे, मानसून वगैरह का समय था उस वक्त, तो इसके कारण इनको यहाँ से हटना पड़ा। और फिर बाद में 1748 में ही जब ये टर्मिनेशन हो गया वॉर का, कौन से वॉर का, तो ऑस्ट्रिया सक्सेशन जो का जो युद्ध चल रहा था वो 1748 में जाके समाप्त हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब वो युद्ध वहां समाप्त हो गया है, तो उसके उसके साथ साथ भारत में भी ये युद्ध समाप्त हो जाता है। एक्सलापेल की संधि होती है 1748 में, ओके, एक्सलापेल की संधि, ये इसको नोट कर लीजिएगा, 1748 में एक्सलापेल की संधि के थ्रू ये ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन समाप्त होता है, ओवर होता है, इसको जरूर याद कीजिएगा। और चूंकि वहां पर ये युद्ध एक्सलापेल की संधि से ओवर होता है, उसी कारण भारत में भी ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि मद्रास वॉज गिवन, इस संधि के तहत क्या हुआ कि मद्रास वॉज गिवन बैक टू ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर द फ्रेंच फोर्ट्रेस ऑफ लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका। मद्रास जो था वो ब्रिटिश को वापस मिल जाता है, किसके एक्सचेंज में, तो यहाँ का जो फ्रेंच फोर्ट्रेस होता है लुइसबर्ग में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, विच ब्रिटिश हैज कैप्चर्ड, तो ये मद्रास ब्रिटिश को वापस होता है और लुइसबर्ग फ्रेंच को वापस होता है। ओके, तो ये संधि का निष्कर्ष निकल के आता है। नाउ द वॉर वॉज प्रिंसिपली नोटेबल इन इंडिया एज द फर्स्ट मिलिट्री एक्सपीरियंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब देखो, एक तरफ से तो डुप्ले साहब थे फ्रांस के तरफ से, तो इस तरफ से भी कोई कम आदमी नहीं थे, इस तरफ से थे अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव की महत्ता को भी ये युद्ध दर्शाता है, इस बात को भी नोट कीजिएगा। इट वॉज हिज फर्स्ट मिलिट्री एक्सपीरियंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, हु वॉज टेकन प्रिजनर एट मद्रास बट मैनेज टू स्केप फ्रॉम देयर, एंड हु देन पार्टिसिपेट इन डिफेंस ऑफ कुडालोर एंड देन एंड द सीज ऑफ पॉन्डिचेरी, ठीक है। कुडालोर जो सेट फोर्ट डेविस था यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर इसके डिफेंस में रॉबर्ट क्लाइव ने अच्छा काम किया, और फिर पॉन्डिचेरी को जब कैप्चर किया था ब्रिटिश ने, उसको सराउंड किया था, तो उसमें भी रॉबर्ट क्लाइव का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो इससे हमको रॉबर्ट क्लाइव की शुरुआती दिनों की बात पता चलती है, और दूसरी तरफ डुप्ले साहब, उनके बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में भी चीज़ें समझ में आती है, महत्वाकांक्षा किस तरह से थे और फ्रेंच के पूरे चीज़ों को किस तरह से उसने चेंज किया था, किस तरह से उसको स्ट्रांग बनाया था, उस चीज़ के बारे में पता चलता है। डुप्ले के बारे में हम लोग को फिर अलग से पढ़ना है, मैं अलग से पढ़ाऊंगा, उनकी सारी कहानियों को पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए अलग से टॉपिक होगा, अलग से वीडियो होगा। तो यहाँ से ये कहानी समझ में आ गई कि किस प्रकार से ये ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन समाप्त होता है, और फिर ये युद्ध फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो था भारत और सॉरी भारत में अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में, वो भी समाप्त होता है उस युद्ध की समाप्ति से, एक्सलापेल की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त होता है, जिसमें मद्रास ब्रिटिश को वापस मिलता है, लुइसबर्ग फ्रेंच को वापस मिलता है, ठीक है, एंड नाइदर द फ्रांस एंड नॉर द ब्रिटेन, ठीक है, वॉज एट प्रॉफिट, दोनों में से किसी को इस युद्ध का कोई लाभ नहीं मिलता है, और एक
जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है वहाँ पर कि दिस वॉर एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द इंडियन रूलर्स, इंडियन रूलर्स की वीकनेस को ये पूरी तरह से इसका पोल खोल देता है, क्योंकि हम देखे हैं कि किस प्रकार की 10,000 के सैनिक थी है ना नवाब की, और उसको एक छोटे से टुकड़ी ने, फ्रेंच आर्मी के छोटे टुकड़ी ने उसको मात दे दिया था। तो किस प्रकार ये लोग कमज़ोर हो गए थे, ऊपर से इंटरनल जो चीज़ें थी इनकी, आपसी संबंध जो थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है, वो देखने को मिलता है, वो एक्सपोजर मिलता है, एक्सपोज हो जाता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, जो आगे चल करके काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। ठीक है, धीरे धीरे करके सारे साम्राज्य टूट जाते हैं, ब्रिटिश का कब्जा हो जाता है इन सबके ऊपर। ठीक है, एक दूसरे से सभी को आपस में लड़ लेते हैं, फूट करो राज करो की नीति के कारण, चूंकि आपस में एकता नहीं होती है तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा मदद होता है इंटरनल पॉलिटिक्स में लोगों को इंटरफेयर करने का, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली द ब्रिटिश टुक ओवर द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, सारे छोटे छोटे जितने भी साम्राज्य थे वो समाप्त हो जाते हैं। इन सब के बारे में हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, नवल फोर्सेस गेन इंपॉर्टेंस एंड इट वॉज हेंस एस्टैब्लिश फैक्ट दैट वन हु हैड अ स्ट्रॉन्गर नवल फोर्स विल एंजॉय द सुपरमेसी। और यहाँ से एक और बात निकल के आता है कि नौसैनिक शक्ति, ये बात निकल के सामने आता है कि जिसके पास नौसैनिक शक्ति होगी वही उसी का वर्चस्व स्थापित होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एक आउटकम है, एक इसको बोल सकते हैं जो चीज़ें सामने आई इस फर्स्ट कर्नाटिक युद्ध से, जो चीज़ें हमें पता चलता है कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्या आखिर नतीजा निकला और किसकी जीत हुई किसकी हार हुई और कंक्लूजन क्या निकला आखिरकार। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एक्सपोज हुआ वीकनेस इंडियन रूलर्स का, दूसरी तरफ नवल फोर्सेस की ताकत के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई होगी, और इसको आज सारा का आप नोट्स बना लीजिए। मैम ने मैप के थ्रू भी बताने का प्रयास किया, उन मैप्स को भी आप लोग प्लीज़ बड़े आराम से देखिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके जो राजीव अहिर की जो किताब है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसी के रेफरेंस से ये बनाया गया है, उस किताब को भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना। इसके साथ साथ कुछ अलग से पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, मैप्स बताए हैं, जो आपके समझ में और ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, कहानी को समझने में, इसके सारे चीज़ों को देखने में। चलिए तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कोई बात हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।